हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस 2023 की परसेंटाइल वर्सेस रैंक। जेईई मेंस 2023 में किस परसेंटाइल पे ऑल इंडिया रैंक कितना गया है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें जेईई मेंस 2023 की कट ऑफ की, मीन्स किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है, मीन्स किस कैटेगरी में कितना परसेंटाइल से एवव लाने पे वो कैंडिडेट जेईई मेंस क्वालिफाइड है, मीन्स वो जेईई एडवांस में बैठ सकता है। तो अगर हम लोग जो कॉमन्स रैंक लिस्ट है, जनरल कैटेगरी जो जनरल कैंडिडेट वाला है, उसमें परसेंटाइल की बात करें तो 90.77 परसेंटाइल है, कट ऑफ परसेंटाइल है। ओबीसी में 73.61 परसेंटाइल है, जनरल ईडब्ल्यूएस में 75.62 ये कट ऑफ परसेंटाइल है, एससी में 51.97 ये कट ऑफ परसेंटाइल है, एसटी में 37.23 ये कट ऑफ परसेंटाइल है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में बात करते तो 0.00135 ये कट ऑफ परसेंटाइल है। पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है उनके लिए ये कैटेगरी रहता है। तो सब अगर हम लोग इसके बाद बात करें परसेंटाइल की और उसके रिस्पेक्ट में ऑल इंडिया रैंक की, तो अगर हम लोग बात करें 90.98 परसेंटाइल पे ऑल इंडिया रैंक 188 गया है जेईई मेंस 2023 में। उसके बाद अगर 0.02 परसेंटाइल कम कर दे तो 99.96 परसेंटाइल पे 475 रैंक गया है। तो अप्रोक्स हम लोग देखें 0.02 का डिफरेंस आ रहा है परसेंटाइल में, तो लगभग 250 के आसपास रैंक बदल जा रहा है, 250 to 270 to 280 के अप्रोक्स रैंक चेंज हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखें 99.93 परसेंटाइल 862 ऑल इंडिया रैंक, 99.84 परसेंटाइल 1901 ऑल इंडिया रैंक, 99.66 परसेंटाइल 3930 ऑल इंडिया रैंक, 99.50 परसेंटाइल 5886, मतलब 0.5 परसेंटाइल का डिफरेंस होने से 100 परसेंटाइल से 99.5 परसेंटाइल का डिफरेंस में अराउंड 5800 रैंक का चेंजेस हो जा रहा है। तो अगर हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि 1 परसेंटाइल का चेंज में अराउंड आपका 10,000 टू 11,000 ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस आएगा, जो कि हम लोग आगे भी दिखेंगे। फिर 99.28 परसेंटाइल 8,490 ऑल इंडिया रैंक, 99.11 परसेंटाइल 10,403 ऑल इंडिया रैंक, 99.04 परसेंटाइल 11,355 ऑल इंडिया रैंक। मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 99.04 अप्रोक्सी 99 परसेंटाइल पे आपको ऑल इंडिया रैंक 11,355 अप्रोक्स आ रहा है। तो मतलब 1 परसेंटाइल का चेंज पे अराउंड इनिशियल इस केस में 11,000 रैंक का डिफरेंस आ रहा है। इसके बाद 98.61 परसेंटाइल पे 16,219 ऑल इंडिया रैंक। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 98.22 परसेंटाइल 20,648 ऑल इंडिया रैंक, 97.77 परसेंटाइल 25,809 ऑल इंडिया रैंक, 97.30 परसेंटाइल 31,084 ऑल इंडिया रैंक, 96.84 परसेंटाइल 36,268 ऑल इंडिया रैंक, 96.45 परसेंटाइल 40,642 ऑल इंडिया रैंक, 94.71 परसेंटाइल 60,152 ऑल इंडिया रैंक, 93.12 परसेंटाइल 77,769 ऑल इंडिया रैंक, 92.34 परसेंटाइल 86,429 ऑल इंडिया रैंक, 91.56 परसेंटाइल 95,282 ऑल इंडिया रैंक, 89.80 परसेंटाइल 1,14,971 ऑल इंडिया रैंक। मीन्स 89.80 परसेंटाइल मतलब अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 90 परसेंटाइल। तो अगर हम लोग देखें कि 10 परसेंटाइल का चेंज पे 100 से 90 के क्लोज आने पे अराउंड 1,14,000 रैंक आ रहा है, तो वही अप्रोक्सीमेटली 1 परसेंटाइल पे 11,000 का चेंज आ रहा है।
इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो 80 परसेंटाइल, 80.39 परसेंटाइल पे 224,139 ऑल इंडिया रैंक, 77.16 परसेंटाइल पे 261,778 ऑल इंडिया रैंक, 71.18 परसेंटाइल पे 337,004 ऑल इंडिया रैंक, 69.44 परसेंटाइल 357,614 ऑल इंडिया रैंक, 58.57 परसेंटाइल 489,045 ऑल इंडिया रैंक, 54.43 परसेंटाइल 538,450 48.23 परसेंटाइल 612,969 AIR. इसके बाद अगर लोएस्ट एकदम बात करें तो 15.61 परसेंटाइल पे 962,472 ये ऑल इंडिया रैंक था। तो इस वीडियो में हमने एक प्रीव्यू देखा, एक एनालिसिस देखा कि किस परसेंटाइल पे कितना ऑल इंडिया रैंक अप्रॉक्सीमेटली जेई मेंस 2023 में आया। तो इसके अप्रॉक्सीमेशन से आप जो भी परसेंटाइल इनके बीच कैटेगरी का है उसको अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 77.16 परसेंटाइल और 71.18 परसेंटाइल का ऑल इंडिया रैंक शो किया है। तो अगर किसी का 75 परसेंटाइल है तो वो हम लोग ये मान सकते हैं 261,000 से कुछ ज़्यादा होगा और 337,000 से कम होगा, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 75 परसेंटाइल जो होगा वो 280,000 85,000 ये ऑल इंडिया रैंक जाएगा। तो ये था एक एनालिसिस जेई मेंस 2023 का परसेंटाइल वर्सेस ऑल इंडिया रैंक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।